हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये लुक मैंने क्रिएट किया है, फुल मेकअप लुक मैंने जो क्रिएट किया है वो मैंने आई पैलेट से क्रिएट किया। ना इसमें मैंने फाउंडेशन यूज किया, ना ही ब्लशर, ना ही फाउंडेशन, और ना ही लिपस्टिक, ना ही काजल, ना ही आईब्रो पेंसिल, ये सारी चीजें मैंने नहीं यूज की। जस्ट मैंने इसे पैलेट से, जो हमारा आई शेडो पैलेट होता है उसमें से ये पूरा लुक मैंने क्रिएट किया है। जस्ट ये चैलेंजिंग वीडियो है, वीडियो अच्छी लगे, मजा आया हो, इंजॉय किया आप लोगों में, लेट से मैंने ये पूरा मेकअप लुक क्रिएट किया। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी तरह की चैलेंजिंग वीडियो देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फटाफट से चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक, वीडियो को शेयर और कमेंट करके बताना है। तो चले, बाय बाय। पैलेट मेकअप चैलेंज, फुल आई शेडो मेकअप चैलेंज जो मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैंने तीन आई शेडो पैलेट लिए हैं। सबसे पहला मेरा है मोर्फी का पैलेट, और इसके बाद फिर मैंने लिया विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट, और इसके बाद मैंने लिया है विल्टन वाइट का सेम मिनी आई पैलेट, छोटा सा है। तो अगर मुझे इसमें मेरे सारे कलर मिल जाएंगे तो मैं इन दोनों को नहीं यूज करूंगी, अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं तीनों को यूज करूंगी, जो आप स्टेप बाय स्टेप खुद ही देख लोगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ब्रश ले आई हूँ, जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको अधिकतर ब्रश की ही जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं कुछ ब्रशेस ले लेती हूँ, इतने सारे जो मुझे लगता है कि मुझे जरूरत होंगे, इतना मेरे लिए इनफ है। मैं इतना ब्रश ले ली हूँ, इतना सारा जो है क्लब फैक्ट्री का, जो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लेते हैं, कौन सा पैलेट लेते हैं, विल्टन वाइट का पैलेट ले लेती हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हम अपने आई पर कंसीलर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला ली हूँ विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं ये वाला कंसीलर से पिक कर रही हूँ, आप देख सकते हो, है ना। तो इसको हम आई मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट। बहुत ही पिगमेंटेड है तो थोड़ा सा फॉल आउट होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या दें? इस मेकअप को क्रिएट करने में काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कभी किया नहीं है। थोड़ा सा मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ, तो इसी से मैं ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि पाउडर टाइप का है तो आपको ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इतने अच्छे से इसी से ब्लेंड हो चुका है। तो अभी हमारा कंसीलर लग चुका, हम सेकेंड वाले आई में अप्लाई करेंगे। इधर बैठो बाबू, कंसीलर लग चुका है, हंसी आ रही मुझे। तो अब हम पाउडर का यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट का या बेबी पाउडर का, या जो भी आपके पास पाउडर हो आप उसका यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पाउडर का यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट, बेबी पाउडर, जो भी आप यूज कर लो लूज। तो मैं अपना मोर्फी का पैलेट ले रही हूँ और ये वाला शेड मैं पिक कर रही हूँ कंसीलर को सेट करने के लिए। सारा पाउडरी पाउडरी है, चलिए हम सेट, बाबू नहीं सेट कर लेते हैं। जस्ट ये चैलेंजिंग वीडियो है, ऐसा नहीं है कि आपको ये लुक क्रिएट करके कहीं जाना है, फन के लिए चैलेंजिंग वीडियो है जस्ट। इसके बाद लेंगे ट्रांजिशन सेट। ट्रांजिशन सेट के लिए मैं ये वाला सेट पिक कर रही हूँ, क्रीज लाइन में अप्लाई करेंगे हम। चिज्जी दे दें? हाँ? अभी देंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा लेके क्रीज लाइन में ही अप्लाई करूंगी मैं जस्ट। शेड हम लेंगे ब्राउन वाला शेड लेंगे, और अपने फ्लैट ब्रश स्केल से अपने आईलेट पे अप्लाई कर लेंगे। आईलेट पे ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ आईलेट पे अप्लाई करने के लिए। हल्का सा ही लगाना, ज्यादा नहीं लगाना आपको।
उसके बाद मैं ये ग्लिटरी वाला लूंगी शेड और उसी के ऊपर सेम लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी। देखते हैं कैसा मेकअप होता है। ये वाला ब्लैक वाला शेड मैं पिक कर रही हूँ, ये ब्लैक वाला, और लाइनर। आप चाहे तो पेंसिल ब्रश भी यूज कर सकते हैं, बट मैं फ्लैट ब्रश के हेल्प से ही कर ले रही हूँ। शेड इन दो शेडों को हम लगाएंगे, तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही ले रही हूँ। अब हम लेंगे ब्लैक शेड, अगर आप चाहें तो इसी तरीके से रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ब्लैक शेड लूंगी और ब्लैक शेड को आपको अच्छे से ही लगाना है ब्लेंड करते हुए। तो चलिए हमारे फेस का मेकअप शुरू होता है। सबसे पहले हम फाउंडेशन ले रहे हैं, फाउंडेशन के लिए हम ये वाला शेड पिक कर रहे हैं, ये लगेगा, बट करते हैं कोई नहीं। हाँ अजीब लग रहा है, पाउडरी टाइप का है ये, उड़ रहा है, अगर ग्लिटर टाइप का होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट कोई नहीं। हाँ फाउंडेशन लग चुका है, फाउंडेशन के बाद हम अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ के लिए। यार क्या है यार, हंसी आ रही है, लगता नहीं है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि छोटू सा तो उसका बॉक्स है, तो कहाँ से लगेगा यार, आप बताओ। बड़े ब्रश से कहाँ से लगेगा, छोटी ब्रश से लगेगा ना। होंगी मैं वाला ब्राउन शेड लेते हैं, फटाफट से आईब्रो को फिल कर लेते हैं। मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ, मेरा पे कर लेंगे थोड़ा सा। इसी ब्रश से करेंगे। फोरहेड पे और कंसीलर के लिए मैं मिल्टन व्हाइट से ये वाला शेड पिक कर रही हूँ। नोज पे कंसीलिंग कर लेंगे हम। बहुत ही ज्यादा ये पिगमेंटेड है, ये देखिए हमारा कंसीलर लग चुका है, काफी अच्छा शेप मिल गया है। और इसके बाद हम करेंगे अपने ब्लशर लगाएंगे। ब्लशर के लिए आप ये वाला शेड भी पिक कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, बट मैं बहुत ज़्यादा लाइट करूँगी तो इसके लिए मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। ब्लशर ठीक ठाक मेकअप तो हो गया मेरे ख्याल से, मुझे लगा था पता नहीं कैसा होने वाला है मेरा मेकअप, बट
बहुत ही अच्छा हुआ उस हिसाब से जैसा मैंने सोच रखा था, क्योंकि फन चैलेंज है तो बिल्कुल फनी फनी सा होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा हुआ है तो मुझे पसंद आया। मेरा मेक वो मियाँ मिट्ठू खुद ही बन रही हूँ, बट अच्छा हुआ है। फोटो वाला पैलेट तो ये हाइलाइटर के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ये वाला देख रहे हैं, इसमें ब्रश भी नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से मैं करके ले ले रही हूँ। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेम ब्रश ले रही हूँ अपना छोटू वाला। थोड़ा शेड मिल जाएगा आपको, तो मतलब उससे थोड़ा सा ग्लो भी आ रहा है मेरे फेस पे। अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा आई के नीचे ताकि हमारी आई का मेकअप अच्छा लगे। और अब आती है हमारी लिपस्टिक की बारी, तो लिपस्टिक के लिए मैं कौन सा शेड, और रेड को भी ये मैं यहाँ ये रेड, और मैं लिपस्टिक के लिए ये रेड वाला और ये वाला दोनों को, ग्लिटरी है तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया, अब चाहो तो पेंसिल ब्रश भी ले सकते हो। तो हमारी लिपस्टिक लग चुकी है बाबू। नहीं तो चलिए फटाफट से हम कॉम करके फुल गेटअप आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा हुआ है लुक। वैसे अच्छा ही हुआ है। तो गाइस ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने सोचा था कि मेरा लुक जो होगा वो फ़नी वाला होगा, अजीब सा होगा, तो इयररिंग्स वगैरह मैंने नहीं सोची थी पहनने को, तो बट अच्छा खासा हो गया। तो मैंने कहा कुछ इस तरीके से लुक क्रिएट करके दिखा देती हूँ अच्छे से, तो इसलिए मैंने सिंपल सा ड्रेस भी पहन रखा, यानी कि विंटर का टाइम है तो मैंने यहाँ पे स्वेटर पहन रखा। और इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो करना ना भूलिएगा, कोई नया मेकअप चैलेंजिंग वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जल्दी क्रिएट करूँगी। चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।